अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक हॉट फज सॉस बना रही हूँ, तो उसको मैं सर्व करूँगी ब्राउनी और आइसक्रीम के साथ। तो आइए शुरू करते हैं हॉट फज सॉस के साथ। ब्राउनी की रेसिपी मैंने पहले से अपलोड की हुई है और मैंने सोचा अब आज मैं आप लोगों को सीजनिंग ब्राउनी सिखाती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके शुरू करते हैं। अच्छा, सॉस पैन लेना है, सारी चीज़ों को इकट्ठा डालना है और बस इसको हल्की आँच पर आपने कुक करना है। मेक श्योर कि आपकी जो हीट है वो लो हो, वरना क्या होगा, फिर आपकी जो चीनी है और क्रीम है वो जल जाएगी। अच्छा, हाफ कप शुगर या आप घर की चीनी, पिसी भी नहीं है ये, ग्रैनुलेटेड है। आधा कप चीनी है, हाफ कप ऑफ क्रीम है। क्रीम आप सिंगल क्रीम यूज़ करें, ये मेरे पास मिल्क पैक वाली क्रीम है। जो अब्रॉड रहते हैं उनको भी बता दूं कि ये सिंगल क्रीम आपने यूज़ करनी है, या कुकिंग क्रीम। हाफ कप क्रीम, हाफ कप शुगर, हाफ कप ही कोको जाएगा, कोको पाउडर, और आधा कप कोको पाउडर जाएगा। प्रोसमोर का मैं यूज़ करती हूँ, कैडबरी का भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको मर्जी हो। उसके बाद जो है इसमें 60 ग्राम्स ऑफ बटर जाएगा। मैं सॉल्टेड डाल रही हूँ, आपकी मर्जी, अनसॉल्टेड डालना चाहें अनसॉल्टेड डाल दें, सॉल्टेड से भी अच्छा टेस्ट आता है। तो 200 ग्राम्स की बार आती है उसका हाफ 100, और फिर उसमें से आप 60 निकाल लीजिए, बेहतर होता है कि वेइंग स्केल आप ले लें। गया, ठीक है। बस इसको अब हम हल्की आँच पर हम कुक करेंगे, और जब थिक हो जाएगा तो ज़रा सा, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। वनीला एसेंस आपके ऑप्शन है, आपके पास फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। बाज़ुकात होता है घर में क्रीम नहीं होती, अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मिल्क डाल सकते हैं, लेकिन फिर वो सॉस की कंसिस्टेंसी थोड़ी पतली होगी। ऑब्वियसली क्रीम तो थिक होती है, तो इसलिए क्रीम से ज़्यादा टेस्टी बनता है। अच्छा जी, ये देखें हमारा ये फज सॉस तैयार है। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ब्राउन शुगर के भी डाले हैं फॉर एक्स्ट्रा रिचनेस, तो आप भी ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अच्छा, कोको पाउडर जो है हाफ कप जो है मैक्सिमम है, हाफ कप कोको से बहुत रिच और डार्क बनता है, तो कोको पाउडर आप अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। क्वार्टर कप कर लें, 2 टेबलस्पून कर लें, 2 टेबलस्पून से होगा कि ज़रा नॉर्मल कोको का टेस्ट आएगा, ये हाफ कप कोको से बहुत रिच टेस्ट आता है, चॉकलेट का, फुल ऑफ चॉकलेट आता है। तो अगर आप लोगों को चॉकलेट फ्लेवर कम करना है, ज़्यादा नहीं पसंद, तो आप लोग इसको क्वार्टर कप भी कर सकते हैं और 2 टेबलस्पून तक लेके जा सकते हैं। तो ये ऑल डिपेंड्स अपॉन यू, बाकी शुगर और मक्खन और क्रीम का रेशो वही रखिएगा। तो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसको, जब मैं सिजलिंग ब्राउनी बनाऊँगी, तो और जो मेरा माइक्रोवेव वाला केक है चॉकलेट, उस पर भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसके साथ भी, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो दुआ में याद रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये मेरे पास स्किलेट है जो कि मैंने वार्म किया है, अब मैं इसमें अपना ब्राउनी एंड आइसक्रीम रखूंगी और उसके ऊपर मैं सॉस पोर करूंगी। ये देखें स्मोक, देखें कितनी अच्छी सी स्मोक निकल रही है। So I hope you like this. Allah Hafiz.